के साथ हो रहा है, हम गफलत में है, फिक्र नहीं करते। दुनिया में अल्लाह रहमान और रहीम है, वो किस लिए रहीम है? हम गुनाह करेंगे वो माफ करेगा। यही हमारे हमने सीख लिया, वो गजा देता है, हम बगावत करते हैं वो फिर भी खाना देता है, वो रहमान और रहीम हमें याद नहीं आता। हम गुनाह करते हैं वो फिर भी हमको रिस्क दे रहा है, हम गुनाह करते हैं फिर भी हवाएं नहीं रोकता, पानी नहीं रोकता, सारी नेमतें देता है, जिस्म अच्छा है, सेहतमंद हो, अल्लाह का शुक्र अदा ही करते हैं हम, क्योंकि अल्लाह ने ये नेमतें दी है। यहाँ रहमान और रहीम है, वहां रहमान और रहीम नहीं है कि गुनाह वो जो चाहे माफ कर सकता है, लेकिन उसने कुछ कानून दिए है, यूं ही तो नहीं दे दिए, सजा भी बताई है, जजा भी बताई है। यही एहसास करबला में लश्कर हुसैन में जो लोग थे उनके पास था, उन्होंने दुनिया की हकीकत देख ली थी, इसलिए कहीं हुसैन खुतबा देते थे आखिरी खुतबा तो लोग ढोल बजाते थे, मौला का खुतबा सुनने को तैयार नहीं होते थे, ढोल बजाते थे। तो मौला हुसैन ने आखिरी हुज्जत 3 बार तमाम कर दी तो कहा, क्योंकि तुम्हारे शिकम में हराम गजा है, इसलिए तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। अगर आज के वक्त में खुदा ना खास्ता मेरे शिकम में हराम गजा होगी तो वक्त इमाम आएगा तो सुनेंगे हम क्या? वो भी हुसैन भी तो वक्त इमाम ही थे, लश्कर को खुतबा दे रहे थे, हमारा भी इमाम आएगा, हम खुतबा देंगे, हम साथ नहीं दे पाएंगे अगर शिकम में हराम गजा होगी। नहीं आए, एक वो थे हुसैन बुला रहे थे नहीं आ रहे थे, और एक वो